नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ मुस्कान निर्वाण। गाजियाबाद के नए एसएसपी पवन कुमार ने पदभार ग्रहण किया। गाजियाबाद में पवन कुमार से पहले अमित पाठक गाजियाबाद के एसएसपी थे। गाजियाबाद के नए एसएसपी पवन कुमार ने प्रेस वार्ता करके अपनी रणनीति साझा की है। एसएसपी पवन कुमार ने कहा कि गाजियाबाद में पुलिसिंग को बेहतर करने के लिए कार्य किया जाएगा, जिससे गाजियाबाद की जनता की समस्या का जल्द निस्तारण किया जा सके। साथ ही आने वाले समय में पुलिस की कमियों को दूर करने के लिए भी कार्य किए जाएंगे। गाजियाबाद में माहौल शांतिपूर्ण बना रहे, यही प्रयास रहेगा। गाजियाबाद से वैभव शर्मा की रिपोर्ट, देखते रहे दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। गाजियाबाद में चुनौतियां देखते हैं, अभी तो कल माया समीक्षा चली रही है। आगे कानून व्यवस्था और अपराध दो ही मेन शब्द रहते हैं जिनके अधीन पुलिस रहती है, ट्रैफिक भी उसी का हिस्सा। देखिए, ट्रांसफर एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, ट्रांसफर होते रहते हैं। ट्रांसफर दो तरीके के होते हैं, एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक। सकारात्मक होता है भले ही छोटे समय के लिए हो, लेकिन जब कहीं पर किसी अधिकारी की आवश्यकता महसूस होती है, उनका अगर ट्रांसफर किया जाता है भेजा जाता है, उधर भी बात होती है, भले ही दो दिन बाद हो, चार दिन बाद। हाँ, तो ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, तबादले होते रहते हैं। वैसे ही अपना प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेश में लेकर के सेवा करने के लिए आए हैं, तो वो कोई होता ही नहीं। प्रशासनिक प्रक्रिया है, ट्रांसफर जो हो रहा है वो कानूनी दायरे में ही हो रहा है। सोच पॉजिटिव